तो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं हमारे आज के इस नए YouTube वीडियो में। क्लास 11th का हम चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दूं, बोर्ड्स लेवल पे अभी हम चीजें डिस्कस करें। एनसीईआरटी की मदद से जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स एग्जाम्पल्स यानी कि थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों ही चीजें करेंगे। बोर्ड्स लेवल को पूरी तरीके से निपटाएंगे। आपके 2 महीने के अंदर 11th और 12th बोर्ड्स लेवल पे सारी चीजें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी के अंदर आपका मेंस और एडवांस का कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होगा। ये पहला सीरीज है। दूसरे सीरीज के अंदर जेई मेन का पीवाईक्यू आएगा। तीसरे सीरीज में हम जेई एडवांस का पीवाईक्यू लेकर आएंगे। यानी कि अगर पहली पहली बार पढ़ रहे हो, कुछ नहीं पढ़े हो, तो आप इन तीनों सीरीज को स्टार्ट कर सकते हो, तीनों सीरीज को फॉलो कर सकते हो। जिन्हें सिर्फ बोर्ड का प्रिपरेशन करना है वो सीरीज 1 को फॉलो करेंगे जो अभी हमारा चल रहा है, और जिन्हें मेंस लेवल प्रिपरेशन करना है 1 और 2 दोनों को फॉलो करेंगे, और जिन्हें एडवांस में प्रिपरेशन करना है 1, 2 और 3 तीनों को फॉलो करेंगे। इसके बाद आपकी एग्जाम से पहले 3 सीरीज और आएंगे, और ये सारी चीजें हम 10 महीने के अंदर निपटाने की सोच रहे हैं। जो भी 3 नया सीरीज बताऊंगा वो तीनों भी, 3 आपके रिवीजन सीरीज आएंगे। बोर्ड्स का एक होगा, एक आपका जेई मेन और एक जेई एडवांस का रिविजन सीरीज होगा। बोर्ड्स में आपका 1 शॉट होगा, और मेन्स और एडवांस में इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू होंगे। फुल अगर प्रैक्टिस करना है तो इन्हें फॉलो करिए, और अगर पहले भी पढ़ चुके हो, जस्ट एग्जाम से कुछ दिनों पहले कुछ रिविजन चाहिए, तो इन तीनों सीरीज को फॉलो कर सकते हो जो अभी इसके बाद आएगा। पहले सीरीज 1, फिर सीरीज 2, 3, फिर 4, 5, 6 आ रहे होंगे। चलिए, अगर आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर ले लीनियर इनइक्वालिटीज, जो कि मुझे लगता है पूरे मैथमेटिक्स का सबसे आसान और सबसे छोटा चैप्टर होने वाला है। तो सबसे पहले समझो कि लीनियर इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है। भैया, 2 वर्ड से बना हुआ है, ठीक है? आप इसे ऐसा समझो, लीनियर पहले इक्वेशन क्या होता है भैया? लीनियर मतलब कि सिंगल वेरिएबल्स में, ठीक है? लीनियर मतलब सिंगल वेरिएबल्स की अगर हम बात कर ले, जैसे 2x+3, ठीक है? ये लीनियर एक, लेकिन इक्वेशन कब बनता है? जब इक्वल्स टू करके मान लेते हैं 4 या 0, कुछ भी लिख दो, मतलब एलएचएस में कुछ होगा और आरएचएस में कुछ होगा, ताकि हम इक्वेट कर पाए एलएचएस और आरएचएस को। सिर्फ 2x+3 कुछ सेंस नहीं बनाएगा, लेकिन इक्वल्स टू करके अगर इधर कुछ मान लेते हैं, 4x+6 भी कुछ भी लिख देते हो, तो ये आपका फाइनल एक सेंस बनाता है, ठीक है? तब इन्हें हम इक्वेट करते हैं। जैसे मान लेते 2x+3, सिर्फ मैंने इतना वो देके छोड़ दिया, आप क्या इक्वेट करोगे? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मैंने बोल दिया 2x+3=4x+6, इसे कैसे इक्वेट करोगे? तो इसे हम 6 को इधर लेकर आएंगे, ये होगा आपका -3=2x, ठीक है? इक्वल्स टू x=-3/2, ऐसे इक्वेट करेंगे। तो लीनियर, पहले तो लीनियर मतलब समझिए, लीनियर का मतलब एक वेरिएबल। वही अगर आपका कुछ x² + x कुछ ऐसा टर्म्स लिखा रहता है, मतलब एक्स स्क्वायर में अगर हम एंटर कर जाते हैं, इसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक के बारे में हम आज के इस वीडियो में हमें नहीं जानना है, चैप्टर में हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है, सिर्फ लीनियर है, ठीक है? लीनियर हम समझेंगे, और इक्वेशन मतलब इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है। लेकिन इन इक्वालिटी मतलब यहां साइन होगा तो सही, बिना साइन के नहीं होगा, लेकिन इक्वल्स टू नहीं होगा। यहां 4 साइन हो सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसका मतलब समझते हैं। जैसे आप नॉर्मल समझ लो, 2 लेस देन 3, कहने का मतलब कि 2 आपका 3 से कम है, सही बात है। मैं अगर लिख दू 3 ग्रेटर देन 1, ये आपका ग्रेटर देन है, 3 बड़ा है 1 से। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 2 लेस देन इक्वल्स टू, तो आपके कॉन्स्टेंट्स में लगा पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मान लेते आप इक्वल वैल्यू भी बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये इक्वल है, लेस देन नहीं है। तो इसके लिए हमें एक इक्वेशन लेना पड़ेगा, ठीक है? मान लेते हमें बोला गया है ax < b, सब ले लेते हैं, ax = b, ax > b, ax > b। इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करने के लिए एक्स को तो उधर ही रहने दो, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड लेकर आओ, ठीक है? इसे हम कैसे लिखेंगे? x < b/a, ठीक है? इसे हम कैसे लिखेंगे? x > b/a। इसे हम कैसे लिखेंगे? x > b/a। यानी कि जो भी आपके क्वेश्चन में कंडीशंस होंगे, उसके हिसाब से एक्स का जो वैल्यू होगा वो बी बाई ए से या तो छोटा होगा या फिर बी बाई ए के बराबर तक में होगा। इसमें क्या है कि जो भी हमारे पास वैल्यू जाएंगे, वो सिर्फ हमारे
आपके बी बाई ए से छोटे होंगे, बी बाई ए के वैल्यू को टच नहीं कर सकते। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसके थ्रू आपको और समझ आएगा। सिमिलरली इसमें एक्स जो होगा आपका बी बाई ए से बड़ा होगा, बी बाई ए के बराबर नहीं हो सकता। इसमें जो एक्स होगा आपका बी बाई ए से बड़ा तो होगा ही होगा, लेकिन बी बाई ए को भी इंक्लूड करेगा। और ये हमारा होता है कि सिर्फ बी बाई ए को इंक्लूड करेगा, सिर्फ बी बाई ए होगा। बी बाई ए से ना तो बड़ा होगा ना छोटा होगा, बट ये जैसे बताता है कि बी बाई ए भी हो सकता है, इसके साथ बी बाई ए से बड़ा भी हो सकता है। ये हमारा बताता है कि बी बाई ए भी हो सकता है और बी बाई ए से छोटा भी हो सकता है। ये दोनों बताते हैं कि बी बाई ए से या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, बी बाई ए के बराबर नहीं होगा। ठीक है, कुछ कुछ आपने बेस समझ लिया, बेसिक समझ लिया। अब चलते हैं इनइक्वालिटीज, हमने समझ लिया ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल समझते हैं। जैसे ये देखो, ये हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल का यूज हुआ है, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है। इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन मतलब इक्वालिटी। इक्वेशन में आपका इक्वालिटी आता है, पर ये हमारा इन इक्वेशन है, इन इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। लेस देन होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, तो इस तरीके से चीजें हैं। ये एक वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें देखो दो वेरिएबल यूज हुआ, एक्स और वाई, तो ये लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, बट भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसमें मतलब ये कुछ अलग तो नहीं होगा? नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका एक्स का पावर होगा, वाई का पावर होगा वन से ज्यादा, बट इसमें तो वन के पावर में ही चीजें चल रही है ना, तो ये लीनियर ही है। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें हमने समझ ली हैं। जहां से मुझे लगेगा, देखो मान लेते, ये दोनों रूल आपको समझाता हूं। मान लेते दिया गया हमारे पास 2x+3 इज ग्रेटर देन 4x+5, ऐसा ऐसा कुछ एग्जांपल दिया गया है। तो अगर आपको दोनों साइड कुछ प्लस करना हो, मान लेते +2 करना हो, तो दोनों साइड आप +2 आराम से कर सकते हो। दोनों साइड अगर आपको कुछ माइनस करना हो, बिल्कुल कर सकते हो, अगर आपको इसकी जरूरत लग रही है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको कुछ डिवाइड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, जो करना हो कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे माइनस नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़े, लाइक -2 या फिर -2 या फिर -3, कुछ भी नेगेटिव वैल्यू से अगर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़े, तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका साइन है, ये जैसे आप नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे ना, आपका साइन चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, 3 इज ग्रेटर देन 2 सभी जानते हैं, लेकिन जैसे आप माइनस माइनस दोनों साइड सोच रहे हो कि -3 दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करके छोड़ दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप देखो -3 जो है, -1 -2 -3, ये आपका -3 छोटा होता है -2 से, लेकिन ये आपका स्टेटमेंट बोल रहा है कि -3 बड़ा है, इसीलिए जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे साइन आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी केस में आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी करना है आप करो, इस पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो करोगे दोनों साइड करोगे। लेकिन जहां सिर्फ एक केस है, नेगेटिव साइन से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, चाहे कॉन्स्टेंट कुछ भी हो, कॉन्स्टेंट चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 0.4 हो, कुछ भी हो, बस ध्यान दो उस कॉन्स्टेंट के साथ अगर नेगेटिव साइन लगा हुआ है, या तो सीधा आप माइनस से दोनों साइड यानी कि -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो भी आपका साइन रिवर्स हो जाएगा। सिर्फ इस केस में साइन रिवर्स होगा अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, वरना और किसी केस में साइन रिवर्स नहीं होगा। जो आपको करना है दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन हम समझते हैं, इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारे फंडे क्लियर होंगे। सॉल्व 30x is less than 200, 30x is less than 200 यानी कि x is less than 200/30, यानी कि 20/3। ठीक है, इसको कुछ आप रफली कैसे लिख सकते हो, 6.6 वगैरह जैसा आप लिख सकते हो कुछ, जितना मुझे लग रहा है। एक बार कैलकुलेट कर लूं, क्योंकि जब पढ़ा रहा हूं तो कुछ गलत नहीं होना चाहिए। वैसे जितना मुझे याद है यही वैल्यू होना चाहिए, 6.667, काफी सिंपल सा वैल्यू है। अब देखो ये कंडीशन आ गया, x is less than 6.667, बट बोला जा रहा है कि एक्स नेचुरल नंबर हो तो क्या। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा नेचुरल नंबर है। अब मुझे चाहिए कि एक्स नेचुरल नंबर तो है लेकिन लेस देन 6.667, जो कि यहां पर 6.667 आएगा, तो इससे कम है, यानी कि इन सभी वैल्यूज की बात करें 1 से लेकर 6 तक, तो इस तरीके से आपका बनेगा। ठीक है, और अगर एक्स एक इंटीजर है तो
एक्स इंटीजर है तो इंटीजर तो इसके पहले भी होता है, 0, -1, -2, -3 ये सारे भी होते हैं, तो -3, -4 और ये डॉट 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 पीछे तक चलते जाएगा, लेकिन यहाँ एंड 6 तक ही आके होगा क्योंकि नेक्स्ट इंटीजर 7 है, बट हमें 6.667 से ही छोटा चाहिए जो कि 7 से ऑलरेडी खुद छोटा है, तो इसीलिए आपका इंटीजर केस में ये सॉल्यूशन है और नेचुरल नंबर केस में ये सॉल्यूशन है। अभी यहां पर और फंडे क्लियर होंगे रिप्रेजेंट करने के और तरीके। बोला जा रहा है 5x-3 इज लेस देन 3x+1, इसे हम कैसे लिख सकते हैं भैया? तो इसे आप 3x को इधर लेकर आओ तो 2x होगा, 5x-3x 2x, और -3 को इधर लेकर जाओ 3+1 4, माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, एक्स लेस देन 2, 2 से कटेगा 2, ठीक है। साइन रिवर्स क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कहीं भी हमने दोनों साइड नेगेटिव मल्टीप्लाई नहीं किया, ये बस हम माइनस कॉन्स्टेंट को इधर से उधर लेके जा रहे थे, एक तरीके से बोलो इधर +3 मल्टीप्लाई कर रहे थे और इधर सॉरी +3 ऐड कर रहे थे, इधर +3 ऐड कर रहे थे, तब ये 0 हो गया और इधर +3 ऐड हो गया। ये भी तो एक तरीका होता है ना एक नंबर को इधर से इधर ले जाने का, हमने कहीं भी आपका नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई नहीं किया इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो x इज लेस देन 2, ये हमारे पास कंडीशन आ चुका है। बोला जा रहा है x एक इंटीजर है, यानी कि 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ठीक है। अब आप देखो कि 2 से छोटा होना चाहिए, अगर x लेस देन इक्वल्स टू होता तो हम 2 को इंक्लूड करते, मतलब 2 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन यहां पर लेस देन नहीं है तो 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 से छोटे जितने भी नंबर हैं जो कि फिर 1 से चालू होगा, 0, -1, -2, -3, और ये चलता जाएगा क्योंकि पीछे कोई लिमिट नहीं है। इन्होंने बोला कि x एक इंटीजर है जो कि 2 से छोटा होना चाहिए, 2 से छोटा और इनफाइनाइट इंटीजर्स हो सकते हैं, माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? -∞, 2। अब ब्रैकेट्स कौन से लगाए भैया, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक ब्रैकेट कौन से लगाए भैया? तो यहां पर ओपन ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि 2 को इंक्लूड नहीं कर रहे, 2 से छोटे तक हम जा रहे हैं, और माइनस इन्फिनिटी को भी इंक्लूड नहीं करते क्योंकि इन्फिनिटी जैसे कोई नंबर ही नहीं होते, ठीक है। इन्फिनिटी से जस्ट अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी करीब पहुंच चुके लेकिन इन्फिनिटी नहीं होता, चाहे इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, इसलिए जब भी लिखना हो ना आपको तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी जब लिखोगे भी तो कभी भी आप इसमें क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाओगे क्योंकि इन्फिनिटी कभी इंक्लूड होता ही नहीं, इन्फिनिटी जैसे कोई टर्म एग्जैक्टली एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम ओपन ब्रैकेट्स लिखते हैं दोनों केस में। मैं हटा देता हूं, लोग सोचेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है, इसलिए माइनस इन्फिनिटी से 2। देखो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2, ये बिलोंग्स वगैरह क्या है, ये सेट रेंज क्या है, इसके लिए आप सेट वाला चैप्टर पढ़ लो जो सबसे पहला चैप्टर है जिसे हमने सबसे पहले कवर कर रखा है, क्लास 11 का पहला चैप्टर, ठीक है भैया। इसका आंसर आ गया। अब एक्स इज अ रियल नंबर, तो रियल नंबर में हम क्या देखते हैं कि एक सेकेंड, थोड़ा सा मुझे यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया, ये जो माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू आपका आंसर है ये आपके एक्स इज अ रियल नंबर के लिए है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू आपका इंटीजर के लिए क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से माइनस, ये माइनस इन्फिनिटी से 2 जो बोलता है ना कि यहां से लेकर यहां तक ये सभी नंबर्स इंक्लूड होंगे, बट देखो इंटीजर क्या है, सभी नंबर होते हैं? नहीं, इंटीजर होते हैं इस एंड को ओपन रखते हैं, मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है, हमारे पास इंटीजर सिर्फ ये है, ये है, इसके बीच वाले ये नंबर तो है ही नहीं, इसलिए हम यहां लिखते हैं कि आपके सिर्फ 1, 0, -1, -2, -3, -4, इसके बीच का जैसे 0.1, 0.2 ये सारे तो इंक्लूड नहीं हो रहे ना, इसलिए हम इसे कंप्लीट एक रेंज नहीं बोल सकते, इसके अंदर जो नंबर आएंगे सब कुछ होगा, नहीं, ये लिखने का मतलब होता है कि जो नंबर होंगे सब, 0.1 भी होगा, 0.2 भी होगा, बट ये इंटीजर्स नहीं है, समझ रहे हो? ये लिखने का मतलब होता है कि स्केल के सभी नंबर्स, लेकिन देखो स्केल पे सिलेक्टेड नंबर्स ही इंटीजर्स है, बाकी आपके डेसिमल पॉइंट्स हैं जो कि हम इंक्लूड नहीं करते, इसलिए हमने इंटीजर को आपके ब्रैकेट्स में नहीं रखा, 1, 0, -1, -2, -3, -4 और डॉट 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 पीछे जहां तक जा सकते हो उस तरीके से लिखा है, बट ये जो सॉल्यूशन मैंने बताया था आपका रियल नंबर के लिए, क्योंकि रियल नंबर में सारे वैल्यू जाते हैं जो इमेजिनरी नहीं है। अभी इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो इसके पिछले वाला चैप्टर पढ़ सकते हो जो इमेजिनरी मैंने पढ़ा रखा है, सेम इसे आप सॉल्व कर सकते हो, इसे अगर सॉल्व करने जाओ
तो ये सॉल्व करना ये सॉल्व करना एक ही बात हो जाएगा, तो मैंने थोड़ा सा इससे कॉम्प्लेक्स दिख रहा है इसलिए इसे ले लिया थोड़ा सा। इसे आप कैसे करोगे, 5 - 2x / 3 लेस देन 6 को इधर लेकर जाओ, x - 5/6 ठीक है, 3 से 3 कटेगा 2, 2 इधर मल्टीप्लाई करो, 2 5 - 2x less than equals to x - 1, ये 6 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो 30 हुआ था, 30 यही लिखा गया है, 2 5 - 2x less than equals to x - 30, 2 को मल्टीप्लाई किया 10 - 4x x - 30, आपका x इंटरचेंज हुआ, x को एक साइड किए और बाकी आपका एक साइड किए हम, ठीक है फाइनली ये बनता है। अच्छा एक केस में और आपका साइन इंटरचेंज होता है, जो मैंने बोला मान लेते हैं आपका, जैसे मैंने बोला 2x + 3 > 4x + 5 लिखा गया है, तो अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका साइन तो इंटरचेंज होगा ही, लेकिन अगर मानते हैं इस पूरे के पूरे टर्म को इधर लेके आ रहे हो इसको उधर लेके जा रहे हो तो भी साइन इंटरचेंज होगा, 4x + 5 < 2x + 3, देखिए ग्रेटर देन का सिंबल 2x + 3 की तरफ था, अभी 2x + 3, यानी कि अगर पूरे टर्म को इंटरचेंज कर दोगे तो भी आपका साइन इंटरचेंज हो जाता है, जो कि हमें यहां देखने को मिला है। अच्छा यहां आपका नेगेटिव नेगेटिव कटा है, दोनों साइड हमने नेगेटिव मल्टीप्लाई किया है इसलिए साइन इंटरचेंज हो गया। यहां क्या किया हमने, 5x ये लिखा गया था, हमने क्या किया दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई किया है, ठीक है तो इसके बाद क्या होगा, ये तो 5x हो जाएगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड नेगेटिव मल्टीप्लाई हुआ है, और ये 40 हो जाएगा, 5 से कटा 8, x > = 8 ठीक है। और यहां कुछ नहीं लिखा गया है कि रियल नंबर वगैरह इंटीजर है इसलिए हम बाय डिफॉल्ट रियल नंबर मान के चलते हैं, तो यहां पर आपका 8 या 8 से बड़ा होना चाहिए ना, देखो क्या आया, x > = 8 यानी कि 0 1 2 3 4 मानते हैं यहां पर 8 है और यहां आपका 8 8 इंफिनिटी तक जाएंगे तो 8 भी इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल्स टू 8 भी इंक्लूड करेंगे यहां से आपका इन्फिनिटी तक, यानी कि 8 से लेके इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का भी टच नहीं करता तो इन्फिनिटी पे ओपन है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, इतना शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। एक्चुअली सॉल्यूशन आपने नंबर लाइन पे देख लिया, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो बात एक ही हो जाएगा, सॉल्यूशन आप सबसे पहले इसे सॉल्व करोगे, जैसे ऊपर हमने सॉल्व किया सॉल्यूशन आ गया x > = 1, तो x यानी कि हमारा 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तो इक्वल्स टू 1 है ना, तो 1 भी इंक्लूड करेंगे और 1 से बड़ा जहां तक हम जा सकते हैं और कोई लिमिट नहीं है, तो 1 से लेके 1 को हमने इंक्लूड किया इसलिए यहां पर डार्क सर्कल है, अगर 1 इंक्लूडेड नहीं होता, अगर x ग्रेटर देन 1 होता तो यहां पर हम इसे ऐसे लिखते, 1 पे ऐसे ओपन एंड लिखते, ओपन एंड करते यानी कि एक ऐसा सर्कल जो कि फिल नहीं किया गया है, लेकिन जब इक्वल्स टू होता है तो हम इसे फिल कर देते यानी कि हम 1 को भी इंक्लूड कर रहे हैं बस। क्वेश्चन नंबर 7 एक सॉल्व कर सकते हो कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन क्लास 10 इन फर्स्ट सेकंड टर्मिनल आर 62 एंड 48, फर्स्ट टर्मिनल में 62 आया, सेकंड टर्मिनल में आपका 48 आया और थर्ड टर्मिनल, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन, मतलब कि लास्ट टर्म में कितना एक्स आना चाहिए मान लेते हैं, ताकि एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों को एड करके 3 स्कोर है तो बाई 3, कम से कम एटलीस्ट 60 मार्क्स होना चाहिए, एटलीस्ट मतलब कि या तो 60 होना चाहिए या फिर 60 से बड़ा होना चाहिए, बस इक्वेशन बन गया, 3 को इस साइड लेके जाइए, 62 + 48 हो गया आपका 110 + x, 3 को इस साइड लेके जाएंगे आपका 180, x > = 70, इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे आपके। एक क्वेश्चन और देख लो, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, हमें चाहिए ऑड नेचुरल नंबर्स, तो मान लेते हैं कि अच्छा बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, मान लेते हैं पहला नंबर एक्स है और दूसरा नंबर ऑड नेचुरल है ना, मतलब कि जैसे आप ले लो 1, तो अगला नेचुरल नंबर क्या होगा, पहला नेचुरल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अब इसमें ऑड कौन कौन से, आगे आप जा सकते हो और 1 है, 3 है, 5 है, इस तरीके से हम जाएंगे। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या, अगर पहले को हम एक्स मानते हैं तो दूसरा एक्स प्लस टू ही तो है, पहला एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस टू है, तो बोला जा रहा है कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, ठीक है दोनों ही आपके 10 से बड़े हैं, तो अगर एक्स आपका 10 से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली एक्स प्लस टू 10 से बड़ा होगा, एक्स को मान लेते हैं 10, 11, 12,
10 से बड़ा हमारा पहला नेचुरल नंबर क्या है? 11। तो अगर 11 को x मानते हैं तो x प्लस टू हमारा 13 है, मतलब अगर x आपका 10 से बड़ा तो ऑटोमेटिकली x प्लस टू भी आपका 10 से बड़ा होगा। तो एक कंडीशन है हमारे पास, x आपका 10 से बड़ा है, ठीक है, x 10 से बड़ा है और सम इन दोनों का 40 से कम है, यानी कि x प्लस टू इन दोनों नंबर्स का सम आपका 40 से कम होना चाहिए। ध्यान रखिए, 40 से लेस देन नहीं, लेस देन इक्वल्स टू नहीं, सिर्फ 40 से लेस देन। तो क्या होगा, 2x प्लस टू लेस देन 40, x प्लस वन लेस देन आपका 20, दो दो हमने कॉमन लेके काट दिया, x प्लस वन सॉरी वन इधर लेके जाते हैं 19। तो x जो है हमारे पास 19 से छोटा होना चाहिए, यानी कि x का वैल्यू 18 तक हो सकता है, बट 19 से छोटा 18 नेचुरल नंबर है, लेकिन हमें सिर्फ ऑड नंबर चाहिए। तो 18 से छोटा हमारे पास कौन सा नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर है? 17, यानी x का वैल्यू 17 तक जाएगा। आपका चालू होगा x का वैल्यू 11 से लेके 11, नेक्स्ट आपका 13, 15, 17। और दूसरा नंबर क्या होता है? पहला अगर x है तो दूसरा x प्लस टू है, तो पहला अगर 11 है, दो जोड़ के 13, 13 में दो और जोड़ेंगे 15, 15 में दो और जोड़ेंगे 17, यहां पर 17 है तो दो और जोड़ेंगे 19। ये हमारे पास सभी सेट्स हो गए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन, और कुछ नहीं। तो और आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ आपके 26 क्वेश्चंस हैं, और अगर मिसलेनियस भी अगर आपको प्रैक्टिस करना हो, मिसलेनियस में आपके टोटल 14 क्वेश्चंस हैं, तो टोटल 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, फुल आपका बोर्ड्स लेवल पे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट्स मैंने सारे समझा दिए, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस किए। तो देखिए, चैप्टर तो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कमी कहाँ रह गई है कि मैंने तो सारी चीजें कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस पढ़ा दिए, लेकिन मैथ में जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वहां कमी है। तो अब जितने भी आपकी एक्सरसाइज के टोटल 40 क्वेश्चन है, या फिर जो मेन आपका एक्सरसाइज है उसके 26 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेते हो, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बोर्ड्स लेवल पे। देन मेंस और एडवांस का तुरंत ही हम एक नया सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें मेंस के पीवाईक्यू और एडवांस का पीवाईक्यू का एक अलग सेट ऑफ सीरीज होगा, उसे फिर आप मेंस और एडवांस के लिए फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करने के लिए आप इस सीरीज पे बने रहिए, लगभग 2 महीने के अंदर 11th और 12th दोनों निपट जाएगा, उसके बाद मेंस और एडवांस भी हम लेकर आएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास सेशन में इतना ही है, मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।